नमस्कार दोस्तों, हारमोनियम गुरु एडवांस लेसन में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे किसी भी धुन को कैसे हारमोनियम के ऊपर खुद से निकाला जाता है सुन के। जैसे मान के चलिए, एग्जांपल के लिए मैं एक धुन लेता हूँ, अपन सिंपल सा धुन लेते हैं जो सभी ने सुना हो। ऐसा करते हैं, नागिन धुन ही ले लेते हैं। अगर मान के चलिए आपको ये नागिन धुन खुद से निकालनी है तो क्या प्रोसेस है, क्या तरीका रहेगा? सबसे पहली चीज़ है कि आपको नागिन धुन याद होनी चाहिए। जैसे कि उसकी एक धुन होती है ना, एक साउंड होता है, एक ट्यून होती है, हर एक गाने की, हर एक धुन का एक साउंड होता है, ट्यून होती है, वो आपके दिमाग में। जैसे नागिन धुन की कैसे है ना, तो मेरे दिमाग में वो धुन है। अब मेरे को ये धुन मेरे दिमाग में तो, बट मुझे ये पता नहीं कि मैं हारमोनियम पे उसको कैसे निकालूँ, तो क्या तरीका, क्या प्रोसेस रहेगा? अपन क्या करेंगे, एक स्वर पकड़ लें, कोई भी अपनी मन मर्जी से आप कोई भी स्वर पकड़ लें। जैसे मैं तीसरी काली पकड़ लेता हूँ कि मेरे को जो धुन मेरे दिमाग में मेरे को तीसरी काली से निकाली, तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले क्या करना है, इस स्वर को सुनिए, इस स्वर के अकॉर्डिंग उस धुन को कन्वर्ट करिए, मतलब कि इसी रेंज में आपको वो धुन निकालनी है। अभी आपके लिए ये चैलेंज है। वैसे तो आपको धुन पूरी दिमाग में है, बट आपको अभी चैलेंज क्या है कि आपको इस स्वर के अकॉर्डिंग वो धुन निकालनी। तो क्या करेंगे, पहले इस स्वर को सुनेंगे, मतलब कि जिस स्वर में, जिस स्वर से आप धुन निकालना चाहते हो ना, उस स्वर में वो धुन मैच होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उसमें वो खो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कि पूरा, अब ये समझ लीजिए कि पूरा स्वर उसके साथ मिल जाना चाहिए। जैसे कि मैंने तीसरी काली से लिया स्वर, तो मैच हो रहा है इसमें। तो अभी मेरे को इस स्वर के अकॉर्डिंग ढूंढना, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? पहले देखिए, मैंने तो देखिए इस स्वर से शुरू नहीं हो रही, ये तो पता चला कि पहला स्वर रा रा, पहला रा 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 रा, वो ढूंढ रा 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 रा। तो ये मैंने क्या किया, मेरा ऑटोमेटिकली दिमाग चल रहा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ढूंढ रहा हूँ। अगर मान के चलिए आपका दिमाग ऐसे काम नहीं करे, तो आप कैसे बदन करेंगे? रा 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 रा, है ना, एक एक स्वर को मतलब कि छू के चेक करिए। ठीक है, इस तरीके से आपको भी मिलेगी। अभी देखिए पूरा देखिए, रा 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 ला 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 ला। तो देखो पार्ट मिल गया ना, तरीका यही है, चाहे आप कहीं से बचाए, आप यहाँ से बजा लीजिए। अभी एक ही ईश्वर के रा 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 ला 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 ला, चाहे कहीं से, यहाँ से बजा ली। ठीक है, ये चीज क्या है कि मेन, जब तक आपके दिमाग में धुन नहीं है ना, आप नहीं निकाल सकते। भले ही आपको रागदारी की समझ है, भले आपको रागदारी की समझ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाना निकालने के लिए जरूरी नहीं कि आपको राग आने जरूरी है, आपको राग आएंगे, रागों की समझ होगी तभी आप निकाल पाओगे। गाना निकालने के लिए, धुन निकालने के लिए जो मेन चीज़ है वो है स्वर ज्ञान। बिना स्वर ज्ञान के कोई भी गाना, कोई भी धुन नहीं निकाली जा सकती। वो बात अलग है कि आपको राग पता है तो आप उसमें इम्प्रोवाइजेशन करते हो, उसको और खूबसूरत बना सकते हैं, अगर आपको रागदारी की नॉलेज है। अगर आपको रागदारी की नहीं भी नॉलेज है, तो आप सिंपल सिंपल बजा सकते हो उसमें, है ना। आप इम्प्रोवाइजेशन नहीं करो, सिंपल सिंपल बजा लो। बट मेन जो चीज़ है कि आपको स्वर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। स्वर ज्ञान मतलब कि आवाज़ की पहचान होनी ज़रूरी है। जैसे मैं अगर यहाँ से ले लूँ, रा 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 रा, ये है स्वर ज्ञान कि मेरे को उस आवाज़ की जजमेंट है, उस आवाज़ को पकड़ के मैंने अपनी धुन बना ली, है ना। बाद में उसको मेरे को ढूंढना है, रा 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 रा। आगे वाला पार्ट भी ऐसे ढूंढे, रा 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 रा, देखिए यही तरीका है हर एक धुन के लिए, कोई भी गाने की कोई भी धुन है, तरीका यही है।
बट आपको पहले वो धुन याद होनी ज़रूरी है। अगर धुन याद नहीं तो आप क्या बजाएंगे, क्या ढूंढेंगे। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, दुनिया की कोई भी गाना है, कोई भी धुन है, कॉन्सेप्ट सेम ही चलेगा, तरीका यही है। ठीक है जी, आप इस तरीके से काम करिए, आप दुनिया की कोई भी धुन, कोई भी म्यूज़िक खुद से बजा पाएंगे बड़ी इजीली। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत तो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।